सामनाला सुरुवात व्यासपीठावरती नुकतंच ज्यांचं शुभागमन झालं होतं सन्माननीय प्रवीण शेठ गुळवी सावंतच्या आज बहुमूल्य उपस्थिती त्यांच्या समवेत आपण पाहू शकता. भगवानजी भोरी साहेब देखील आहेत जे माजी सरपंच, तसेच खऱ्या अर्थाने एक फार मोठं व्यक्तिमत्व कासने गावचं. आज कासने टीमने मॅच देखील जिंकली आणि दादा देखील व्यासपीठावरती आहेत, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. पहिलाच बॉल दरम्यान अपील सुरू आहे, थोडी चर्चा नक्कीच केली जाईल अंपायरसमध्ये, कारण अपील फार लाऊड शाऊट होते. चर्चा आता इथनं केली जाईल आणि योग्य निर्णय आपल्यापर्यंत पोहोचवला जाईल की एक्झॅक्टली घडलं काय. आय थिंक बॉडीवरती बॉल ब्रश झाला होता, येस अंपायरने देखील तेच सांगितलं. डॉट बॉलने सुरुवात या पहिल्या सत्राची. माणकुली संघ आपल्याला प्रथमतः फलंदाजी करताना दिसत आहे. ओवर द विकेट पुढचा बॉल फुल्लर लेंथ होता, ऑन साईडला हा फटका. दरम्यान काऊ फेसमध्ये आता फिल्डर पोहोचत आहेत, तोपर्यंत दरम्यान इथनं एक सिंगल घेतली जाईल. लास्ट मॅचमध्ये आपण बघितलं कुठे ना कुठे सर्वली संघाकडून भरपूर साऱ्या अपेक्षा जरूर होत्या, बट त्या अपेक्षांवरती ते खरे उतरले नाही आहेत. क्रिकेटचा खेळ मित्रांनो असाच असतो, तुम्ही होम ग्राउंडवरती खेळा किंवा अवे ग्राउंडवरती खेळा, चांगला खेळ कराल तरच तुम्ही पुढे जाल. जर मिस्टेक काही घडल्या ना तर माघार आपल्याला घ्यावी लागणारच आहे. आणि लास्ट मॅचमध्ये खऱ्या अर्थाने कासने टीमचा खेळ जास्त चांगला आपण बघितला, त्यांनी मॅच देखील जिंकली आणि ते थेट सुपर थ्रीमध्ये पोहोचलेत. फुलर लेंथ होता, समोरच्या दिशेने प्रहार स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. आता विलास पाटील पोहोचले जरूर, बट त्यांना देखील बीट करून हा बॉल एका टप्प्याने बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे चौकार. आज सामने दशक नावानी केला आयोजन हेंदर मामानी करसन दादानी. चौकार दरम्यान इथं आला, अतिशय चांगला फटका आपण या अगोदर बघितला. यावेळेस देखील फटका बघा हवेमध्ये आहे, लॉंगॉलला विलास पाटील, मिस्टेक होणार नाहीये. बघा दिवस असो रात्र असो कॅचिंग मध्ये कधी मिस्टेक होणार नाहीये विलास पाटीलच्या. अप्रतिम झेल दरम्यान इथं टिपला गेला आणि धक्का लागतोय हा पहिला फलंदाज बाद. फटका दरम्यान फिल्डर आता पोहोचतात डीप मिड विकेटला. दुसऱ्या धाव्यासाठी कॉलिंग, दोन धावा इथनं पूर्ण होतील. बिकॉज थ्रो जर आपण बघितला थोडा वाईड थ्रो होता, त्या अनुषंगाने या दोन धावा इथनं पूर्ण केल्या गेला. धाऊ फळक या दोन धावांच्या मधील आता स्कोअर कार्ड पुढे जातो 7-7. 7 धावा धाऊ फळकावरती. खऱ्या अर्थाने स्पर्धेसाठी भरपूर जणांची मेहनत आहे, त्यामध्ये सर्वप्रथम आमचे मार्गदर्शक ज्यांच्या नावाने आपण ही स्पर्धा पाहतायत, मामा चषक अर्थात झेंद्र मामा पाटील साहेब, त्यानंतर महेंद्रजी चौधरी साहेब, त्यानंतर गुरुनाथजी चौधरी साहेब, त्यानंतर
अर्थातच ग्राम पंचायत सदस्य सरवली संतोषजी पाटील साहेब, हरिभक्त पारायण अरविंदजी चौधरी साहेब, त्याचप्रमाणे सोमनाथजी चौधरी साहेब सर्वांची मेहनत, तसेच आमचे गिरीशदादा असतील, दर्शनदादा असतील, आमचे प्रज्ञेश असतील, हितांशू असतील, सर्वांनी मेहनत केली आणि मैदानाच्या दिशेने जाऊया. रनआउटच्या स्वरूपामध्ये आणखीन एक धक्का दरम्यान इथं लागणार आहे टीम मानकोलीला. कुठे ना कुठे तालमेल मध्ये अभाव झाला होता, तर असा बेनिफिट आता कामतगड संघाला मिळेल. आणखीन एक धक्का टीम मानकोलीला. धावफळक सध्याच्या घडीला 9 वरती आता स्कोर कार्ड जाऊन पोहोचला. 9 धावा धावफळकावरती. दुसऱ्या षटकाचा खेळ आता सुरू आहे. आणखीन एक फुलर लेन टाकला गेला होता, बट अगदी जर आपण विचार केला तर बॅटची कडा लागली होती. सिंगल इथनं मिळेल, सिंगलपेक्षा जास्त घेण्याचा प्रयत्न तर आता सुरू आहे. आणि अंपायर्स बॅटर सेफ आहे का? येस, बॅटर सेफ आहे, फलंदाज बाद नसतील. अटेम्प्ट जरूर केला गेला होता रनआउटसाठी. बघा 40+ देखील नियम जर आपण बघितले तर भरपूर स्ट्रिक्ट आहेत, कारण जर अशा प्रकारे जर तुम्ही रनआउट नाही केला तर आय थिंक त्यासाठी देखील पॅनल्टी आहे, असे नियम आहेत. बट लास्ट बॉलवरती प्रयत्न केला गेला होता, बट त्यामध्ये आपण बघितलं तर बॅटर सेफ होते. यानंतर जो होणारा सामना आहे पिंपळगर विपक्ष काल्हेर, दोन्ही टीम्स आपण देखील रिपोर्टिंग करा. आणि दरम्यान जर आपण विचार केला मैदानाच्या मध्ये सध्याच्या घडीला तर भागमाग सुरू आहे आणि आता रनआउटच्या स्वरूपामध्ये हा धक्का लागतो. आणखीन एक धावफळक बघा 13 वरती असेल आणि रनआउटच्या स्वरूपामध्ये हा धक्का, फलंदाज होतील बाद.
पुढचा बॉल स्विचिटचा फटका खेळायचा होता आणि निर्माण एक सिंगल इथं घेतली जाईल. फुल टॉस दरम्यान इथं टाकला गेला होता बट बॅटरने बॉलचा संपर्क आला नाही. अतिरिक्त रन दरम्यान इथं मिळेल. व्हाईट बॉल आणखीन एक खराब चेंडू आणखीन एक अतिरिक्त रन दरम्यान इथं मिळेल. मिस्टेक बघा इथं होत आहेत मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजांच्या माध्यमातून. दोन अतिरिक्त रन दरम्यान इथं मिळाला आणि धावफळक या अतिरिक्त रनच्या मागे ना आता 15 वरती. धावफळक 15 वरती आहे. 15 on the card. अजून देखील या षटकामध्ये काही चेंडू चाकेल बाकी. फुलर लेंथ होता. ड्राईव्हचा हा फटका लॉंग ऑनला फिल्डर पोहोचला. जोपर्यंत बॉल फील्ड केला असेल तोपर्यंत एक सिंगल इथनं घेतली जात आहे. धावफळक 17 वरती आहे. माफी आहे सुद्धा, थोडेसे करेक्शन होतं. बघा आमचे मेन ऑफिशियल स्कोरर सध्याच्या घडीला लंच ब्रेकवरती आहेत आणि त्या अनुषंगाने बघा थोड्याशा मिस्टेक होऊ शकतात, समजून घ्या. करेक्शन केलं आपण. 17 धावा आहेत. फुल टॉस, बॉल हवेमध्ये. मिस्टामिंग विकेट कीपर पोहोचलेत आणि सेकंड अटेम्प्टमध्ये प्रयत्न फार चांगला केला होता बट तरी सुद्धा इथनं कॅच इथनं झाली ड्रॉप. आता आणखीन काही रन्स मिळतील का? ओव्हरथ्रो देखील झाला. बघा 3 धावा आय थिंक पूर्ण झाल्या. चांगला आता म्हणजे 3री धाव ज्याप्रमाणे पूर्ण केली आहे ना फलंदाजांनी पूर्णपणे. बघा वातावरण देखील सध्याच्या घडीला थोडं उष्णच आहे. अगदी वयाच्या 40 नंतर अशा तापत्या उन्हामध्ये खेळणं हे थोडं कठीणच आहे. 3 धावा दरम्यान इथं पूर्ण झाल्या. धावफळक या 3 धावांच्या मदतीने आता स्कोर कार्ड पुढे जातोय. 20 धावा धावफळकावरती. अजून देखील बघा दुसऱ्या षटकाचा खेळ दरम्यान इथं. येस, 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 2 षटकांमध्ये 20, अजून देखील 12 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. सचिन दरम्यान येत आहेत की आणखीन कोणी येतो हा अजून देखील प्रश्न आहे. कारण सचिन तर दिसतात आम्हाला गोलंदाजी मार्ग जवळ. चला विनंती असेल लवकर डिसाईड करा एक्झॅक्टली कोण गोलंदाजी करणार आहे कारण अजून देखील चर्चा सुरू आहे. आणि ज्याप्रमाणे चित्र पाहायला मिळत आहेत की गोलंदाजी मार्कवरती सचिन तयार होतात.
यापुढील होणारा सामना. दोन्ही टीम्स आय थिंक रेडी आहेत. कल्लर टीम देखील उपस्थित आहे. पिंपलगर टीम आपण देखील लवकर रिपोर्टिंग करा. टॉस आपण पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर करणार आहोत. गोलंदाज तयार होत आहेत सचिन या षटकामध्ये गोलंदाजी करण्यासाठी. तिसरं षटक सचिन. बघा विनंती आहे मित्रांनो, इतका वेळ खर्च नका करू, कारण बघा आपल्याकडे वेळ आहे, आम्ही समजू शकतो. बट इतका वेळ खर्च कराल तर कुठे ना कुठे मॅचचा जो मोमेंटम आहे ना तो ब्रेक होतो. सो विनंती असेल टीम कामत घर, कारण वेळेचं महत्त्व बघा. एका काळामध्ये तुम्ही देखील रेग्युलर फॉर्मॅट खेळलेलं आहेत आणि आज 40+ तुम्ही खेळतात. वेळेचं महत्त्व तुम्हाला आमच्यापेक्षा जास्त माहिती आहे. चला सामन्याला पुन्हा एकदा सुरुवात करा. तर सचिन या तिसऱ्या षटकामध्ये तिसरं षटक सचिन. सचिनचा पहिलाच बॉल एफर्ट बघा क्या बात है. ज्याप्रमाणे एफर्ट दाखवला गेला ना तेजसजी, हा रिप्लाय नक्कीच दाखवा. कशा प्रकारे खऱ्या अर्थाने फोल्डिंग हा एफर्ट आपल्याला पाहायला मिळाला सचिन पाटीलचा. कारण बॉल रिलीज केल्यानंतर जसा बॉलर बॅक ड्राईव्ह होला त्यानंतर पूर्णपणे स्वतःला झोकून दिलं बॉल अडवण्यासाठी. अशा प्रकारे फोल्डिंग अगदी 40+ प्लेअरसाठी करणं फार कठीण आहे. बट खऱ्या अर्थाने आजच्या डेटला कल्याण डोंबिवली परिसर असो, भिवंडी असो, 40+ संघ देखील कुठेच कमी नाही आहेत. पुलचा फटका ऑन साईडला. फोल्डर आहेत विलास पाटील आहेत, पोचतायत. तोपर्यंत फोल्डिंग देखील चांगली पाहायला मिळाली. एक सिंगल मिळलेली या बॉलवरती धावफळकता या एका धावेच्यामध्ये तिने स्कोअर काढता पुढे 22 धावा धावफळकावरती. अतिशय चांगली स्पर्धा आपण मित्रांनो पाहतायत हिंदर मामा पाटील साहेबांच्या विद्यमानाने. मामा ट्रॉफी 2024 पर्व दुसरं आणि सध्याच्या घडीला आपण अगदी मॉर्निंग सेशनपासून आता आपण आफ्टरनून सेशनमध्ये आहोत. 40+ ही बॅटल मानकुले विपक्ष कामतगार समोरच्या दिशेने प्रहार. लॉंग ऑफला मिस जजमेंट, त्याचा बेनिफिट फलंदाजाला मिळेल कारण बॉल जातोय लॉंग ऑफ सीमा पार. षटकार आला. अतिशय चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. 6 धावा धावफळकता 28 धावा धावफळकावरती आहे. अजून देखील या तिसऱ्या षटकामध्ये 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. यावेळेस प्रचंड वेग, बोल्ड होतील फलंदाज. यू मिस बट आय विल डेफिनेटली हिट. यष्टांचा वेध घेतला, धक्का लागतो आणखीन एक टीम मानकोलीला. तिसऱ्या पंचांची मागणी आय थिंक गोलंदाजाच्या ॲक्शनवरती हस्ताक्षेप घेतला गेला. सो विनंती असेल आमचे थर्ड अंपायर आपण तुम्ही जॉईंट व्हा मैदानाच्या आतमध्ये. थर्ड अंपायर सर टॉस देखील आपण या पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर करणार आहोत. टीम पिंपळगरचे कॅप्टन आणि टीम कल्लेरचे कॅप्टन आपण पोहोचा लवकर. दोन्ही टीम्स उपस्थित आहेत. कालच्या दिवसामध्ये अतिशय चांगला खेळ स्पेशली आपण पिंपळगर संघाचा बघितला होता.
तीन मध्ये 14 धावांची आवश्यकता असताना गणेश पाटीलच्या बॅटमधून सलग 3 मोठे फटके आले होते आणि सर्वजण सरप्राईज झाले होते. हे काय घडलं की ज्या मॅचमध्ये कुठे ना कुठे पिंपलगड संघ मागे होता तिथनं तो सामना जिंकून दिला गणेश पाटीलनं. नवीन फलंदाज मैदानात शतमध्ये रणजित रणजितसाठी हा बॉल हवेमध्ये आहे. विकेट किपर प्रयत्न तर चांगले होते. एक सिंगल इथनं घेतली जाईल आणि एक्झॅक्टली बघा जेव्हा थ्रो विकेट किपरने केला ना तेव्हा गोलंदाजाचा देखील हाच प्रश्न होता आणि विलास पाटील यांचा देखील हाच प्रश्न होता की बॅकअपला कोणी नाही आहे तर या थ्रोची आवश्यकता काय. कारण बघा जेव्हा ॲज अ फिल्डर तुम्ही थ्रो करत असा तेव्हा बॅकअपला कोणी आहे की नाही ते देखील पाहणं गरजेचं. धाऊ फळक आता एका धावेशामध्ये ते नाही टोटल आता 29 वरती जाऊन पोहोचला. शेवटचा चेंडू शिल्लक असेल या तिसऱ्या षटकामधला. ऑन साईडला हा फटका आता विलास पाटील वेगाने पोहोचत आहेत. फिल्डिंग थोडी आता खराब पाहायला मिळाली बट दरम्यान रन्स 2 तर कम्प्लीट झाल्या. तिसरीसाठी परतणार नाहीये, 2च असतील आणि अशा प्रकारे दरम्यान 3 षटकांचा खेळ झाला समाप्त. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर रन्स बनवल्या गेल्या 31, विकेट गेले तब्बल आतापर्यंत 4 असून देखील उर्वरित 6 चेंडूंचा खेळ बाकी. विलास बालू पाटील आता तयार होतात गोलंदाजी मार्कवरती. खऱ्या अर्थाने एक काळ या खेळाडूंनी रेग्युलर फॉर्मॅट्समधला देखील गाजवला. आज अजून देखील 57 वर्षाचे आहेत बट अजूनसुद्धा मैदानाच्या आतमध्ये. या तापत्या उन्हामध्ये देखील क्रिकेट्समध्ये खऱ्या अर्थाने चांगला खेळ दाखवण्याची त्यांची जिद्द. स्टेप आउट झाले होते फलंदाज, बाटाने बॉलचा संपर्क नाही आहे. क्रिकेट हा खेळ जिद्दीचा जर ना, क्रिकेटमध्ये वयाला महत्त्व नसतं, तुमच्या कार्यांना सलाम असतो, तुमच्या कार्यांना महत्त्व असतं. अगदी 57 खऱ्या अर्थाने बघा, अगदी गव्हर्नमेंट जॉबचा देखील आपण विचार केला तर मोस्ट ऑफ 40 वर्षानंतर रिटायर होऊन जातात आणि इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये देखील मोस्ट ऑफ 40 वर्षानंतर रिटायर होतात पण अजून देखील 57 वर्षाचे आहेत पण अजून देखील मैदानाच्या आतमध्ये खेळतात आणि तीच दहशत आणि तोच दरारा. आणखीन एक निर्धाव चेंडू, क्या बात आहे. हा तोच विलास पाटील ज्याने खऱ्या अर्थाने अनेक वर्ष भिवंडी टेनिस बॉल क्रिकेट गाजवला, आज 40+ गाजवतात. अजून देखील तीच क्षमता, तीच गुणवत्ता त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळत आहे. लाईन अँड लेंथ बघा, परफेक्ट लाईन अँड लेंथवरती गोलंदाजी करतात. ऑन साईडला हा फटका दरम्यान जर आपण विचार केला तर फक्त गतीचा वापर केला गेला होता. लॉंग लेगला दरम्यान चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळाली, क्रिकेट कम फुटबॉल पाहायला मिळाला, रन्स आपल्या टीमसाठी वाचवला. आता रनआउटची संधी आणि रनआउटच्या स्वरूपामध्ये आता आणखीन फलंदाज बाद होतील. या बॉलवरती 2 कम्प्लीट झाल्या, तिसरीच्या प्रयत्नामध्ये फलंदाज बाद आणि हा 5वा धक्का. नवीन फलंदाज आता मैदानाच्या आतमध्ये येतात. संदीप क्रमांक 7 वरती फलंदाजी करण्यासाठी. पकिले सत्र प्रगतीपथावरती एक्झॅक्टली पकिले या सत्रामध्ये रन्स आता किती बनतील, कारण सध्याच्या घडीला जर आपण बघितलं तर 33 33 धावा बनवला गेला.
बघा आतापर्यंत मॉर्निंग सेशनपासून जर बघितलं तर 40 धावा प्रत्येकी मॅचमध्ये बनतात, आणि या मॅचमध्ये देखील बनतील का? लाईन खराब, अतिरिक्त रन धर्माने तर मिळेल. आमचे चारही अंपायर्स त्यांचं देखील कौतुक करूया, कारण अगदी मॉर्निंग सेशनपासून तर अंतिम 17 पर्यंत ते देखील असतात. त्यामध्ये दिनेशजी भामरे सर, निखिलजी बजागे सर, राजेंद्रजी पाटील सर, त्यानंतर रमेश म्हात्रे सर उर्फ मेक्या दादा, भरपूर चांगली अंपायरिंग खऱ्या अर्थानं आमच्या अंपायर्सची देखील पाहायला मिळाली. कारण क्रिकेटच्या बदलावरती बघा, मी एक गोष्ट नेहमी सांगत असतो, ती माहिती मी या चेंडू नंतर तुमच्यापर्यंत पोहोचवेन. राऊंड द विकेट, ऑन साईडला हा फटका, डीप मिड विकेटवरनं आता फुल्डर वेगानं येतात. दुसऱ्या धावेसाठी कॉलिंग दरम्यान इथं केली गेली आणि 2 धावा अगदी या बॉलवरती पूर्ण केल्या जातील. बघा क्रिकेटच्या एका मॅचमध्ये ना एका वेळेस आपण जर विचार केला ना तर समालोचक नसतील तरीही चालेल, स्कोरर नसेल तरीही चालेल, बट विदाऊट अंपायर कधी मॅच होऊ शकत नाही आहे. अंपायर असायलाच हवा लागतो, कारण पूर्णपणे ना सर्वात जास्त प्रेशर कोणत्या मॅचमध्ये जर कोणावरती असेल ना तर तो अंपायरवरती असतो. कारण खेळाडूंसोबत न्याय करण्याचं खऱ्या अर्थानं कार्य अंपायर्स करत असतात, कारण पूर्णपणे प्रेशरमध्ये योग्य निर्णय देणं ही गोष्ट फार कठीण असते. बॅटची कडा, बॉल हवेमध्ये, बॉल मागे चाललाय आणि बीट केलं, फाईन लेगला. आणि सरवलीच्या क्रीडांगणावरती वैशिष्ट्य आहे, जेव्हा ही फाईन लेग थर्डमॅन बीट होतात ना तेव्हा बॉल अडवणं इम्पॉसिबल. आणि हा बॉल देखील नॉनस्टॉप बाउंड्री लाईन पलीकडे 4. फुल टॉस, पायांवरती बॉल हवेमध्ये आहे आणि धर्माण फिल्डर आता वेगाने पोहोचतात. तोपर्यंत धर्माण या बॉलवरती कंप्लीट केल्या गेल्या, तब्बल 2 तर झाल्या, तिसरीसाठी देखील परतलत आणि 3 देखील कंप्लीट, आणि चौथीचा प्रयत्न आत्ता केला जातोय. बट जे नियम आहेत त्या अनुषंगाने या 3च असतील. आणि अशा प्रकारे धर्माण जर आपण विचार केला, 3 धावांच्या मदतीने धावफळक आता जाऊन पोहोचला आहे. दर्शनजी 43 बनवल्या गेल्या आणि 44 धावांचं लक्ष असेल. चला टॉस आपण करूया, दोन्ही टीमचे कॅप्टन चला विनंती असेल टॉससाठी पोहोचा आपण लवकर. कालेर टीमचे कॅप्टन आपण या, त्याचप्रमाणे पिंपलगर टीमचे कॅप्टन आपण देखील लवकर या. टॉस दरम्यान इथं केला असेल, यानंतर होणारा सामना 40+ फॉर्मॅटमधून टीम पिंपलगर विपक्ष कालेर. चला टॉस आपण करूया आणि व्यासपीठावरनं मी विनंती करतोय मामांच्या शुभेस आपण करूया टॉस. मामांच्या शुभेस आपण टॉस करणार आहोत, ज्यांच्या विद्यमानाने ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण मामा ट्रॉफी पाहतात असे आमच्या स्पर्धेचे लाडके आयोजक हिंदर मामा पाटील साहेबांच्या शुभेच्छा आपण करूया टॉस. मामा जोडले गेले आहेत, कॉल कोणाचा असेल ते देखील सांगा. कॉल असेल बंद्रा मारुती स्पोर्ट्स कालेरचा हा कॉल, आणि मागणी आहे हिंदर मामा आणि सध्याच्या घडीला या नावाला भरपूर डिमांड आहे आणि तीच मागणी केली गेली कालेर टीमच्या माध्यमातून. हिंदर मामा अशी मागणी
आणि टॉस जिंकला टीम. काल मी उल्लेख केला होता की मामांच्या नावावर आता भरपूर डिमांड आहे आणि इंदर मामा सरा टॉस जिंकला. काल मामांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती जाऊन स्थाना बनवा, आपण चर्चा करूया. टॉस जिंकला निर्णय काय असणार आहे फिल्डिंग आणि या स्पर्धेमध्ये ऑल ओव्हर खेळताना कसं वाटलं हाच प्रश्न नक्कीच विचारेन. हरकत नाही, टॉस झाला कंप्लीट, टॉस जिंकला बंद्रा मारुती स्पोर्ट्स कालेरनाने प्रथमतः फिल्डिंगचा निर्णय घेतला. धन्यवाद. जाऊया ऑन गोईंग मॅच कडे आणि मी येतो एक छोटासा ब्रेक. तुम्ही कुठे जाऊ नका, तुम्ही पाहत राहा, एन्जॉय करत राहा. मामा ट्रॉफी 2024 समालोचन कक्षामध्ये मागच्या दुसऱ्या सत्रासाठी पुन्हा एकदा आवाज आपण ऐकूया. टी व्ही स्क्रीनवरती सध्याच्या घडीला तो चेहरा आपल्याला पाहायला मिळतोय. व्हॉइस ऑफ रायगड पनवेल बाबू शहा सरांच्या सुमधुर वाणीतून या मागच्या दुसरं सत्र. थँक्यू. हां, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी. चलेंगे मॅच की तरफ, फिर से आज का दिन का बात करेंगे. और चौथा मॅच तीसरा मैच, इसके बाद चौथा मैच का टॉस हो चुका है. चलिए ओके, धन्यवाद है. ग्रामीण टेनिस क्रिकेट लाइव देखिए, हम देख सकते हैं तेजी जी के साथ पूरा टीम है. लाजवाब मेहनत लेते हुए हम अंपायर भी देखिए देख सकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं. हाँ तो चलिए बात करेंगे टारगेट्स यहाँ से. डबल फोर देखिए, 44 का टारगेट से मच पर हम देख सकते हैं इंदर मामा निश्चित रूप से, क्योंकि मामा चसा गया. टूर्नामेंट की देखिए बात करेंगे, आज चौथा डे नाइट देखिए और कल टूर्नामेंट की बात करेंगे, अंतिम डे नाइट फाइनल. तो चलिए चलेंगे मैच की तरफ. सेकेंड इनिंग देखिए यहाँ पर, जहाँ पर टारगेट की बात करेंगे तो यहाँ से जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ टीम के सामने देखिए डबल फोर 44 का यहाँ पर रखा गया है. लेकिन देखते हैं कितना आसान होगा कितना मुश्किल होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. चलिए फील्ड की थोड़ा सा जल्द से जल्द सजावट कीजिए, ज्यादा वक्त मत लीजिए यहां से. बहुत बढ़िया, दोपहर के सत्र के बाद देखिए यहाँ से बात करेंगे, एक कड़ा फाइटिंग मुकाबला देखने को मिल रहा है. पहला मैच बात करेंगे जहाँ पर 42 का टारगेट चेसिंग यहाँ पर देखने को मिला. सेकेंड मैच देखिए बात करेंगे, वही 42 का टारगेट था डिपेंड करने को देखने को मिला. अब देखते हैं 44 का टारगेट से अब क्या यहाँ पर डिपेंड किया जाता है, क्या बचा सकते हैं या बैटर बना सकते हैं. बहुत बढ़िया, देखिए टॉस हारने के बाद जो बल्लेबाज यहाँ से मिला था गुरुदत्ता देखिए मानकुले टीम है. कल बहुत बढ़िया देखिए इन लेजेंड खिलाड़ियों का वहाँ पर सम्मान रिस्पेक्ट किया गया था मानकुले के टूर्नामेंट में निश्चित रूप से. लेकिन से आज देखिए वो टीम है इस मैदान पर उतरे हैं, क्योंकि ये लेजेंड खिलाड़ी ने हमेशा देखिए क्रिकेट को आगे पहुँचाए हैं. छोटे रनअप के साथ देखिए यहाँ से सिंगल निकालते हुए, सिंगल के साथ शुरुआत होता हुआ यहाँ से, और देखते हैं ये टारगेट कितना आसान रहेगा और कितना कठिन रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. चलिए अपील देखिए कितना तेज होता हुआ यहाँ से, उत्साहित एकदम से देखिए दिखाई थी और विश्वास की कमी पड़ी. निश्चित रूप से अंपायर देखिए यहाँ से नजर ही दिखाई, बहुत बढ़िया लाजवाब. यहाँ पर गेंदबाज तैयार फिर एक बार, इस बार देखिए फुल लेंथ था जगह से खड़े खड़े पल्ला कलाई से मोड़ दिया पर स्क्वेयर लेग को चुनते हुए, यहाँ पर 4 रन आता हुआ यहाँ पर पिछले गेंद पर देखिए अपील हुआ था और उसके बाद चौका.
घुट मुझे भी पिला दे सर अभी। लेकिन कहते हैं ना, खुशी हजार से कम चुदा नहीं होता। गरीब चाय कितना भी पी ले उसे नशा नहीं होता। यहाँ पर देखिए, देखते हैं लाइन और लेंथ क्या यहाँ से। हाँ, वाइट का हिजाब है। देखिए यहाँ से अंपायर ने थोड़ी सी जानकारी ली यहाँ पर, क्या बॉडी से कुछ कपड़े से टच होकर खेल गया, लेकिन बैटर ने नकारा। और गेंदबाज देखिए थोड़ा सा, विकेट कीपर भी देखिए करीब आते हुए। स्कोर देखिए जाकर पहुंचाए, क्या अंपायर डिसीजन यहाँ पर। वाइट तो दिए थे, फिर से आपस में ऐसे थोड़ा सा बातचीत चलता हुआ यहाँ से। क्या वन प्लस वन यहाँ पर, दो रन अंपायर वाइड। हाँ वाइड है यहाँ से, वन प्लस वन देखिए दो रन आता हुआ यहाँ से। और स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ से 7 रन। अब ये काम करनी होगी, अभी अगर मैच जीतना है तो हर गेंद के पर रन आपको लाना होगा, अगर मैच बचाना है तो फिर कहीं ना कहीं डॉट गेन विकेट ये चीज़ निकालना होगा। और ये देखिए इस बार खेलना चाहते थे मिड ऑफ के ऊपर से, हवा में कैच, ये देखिए सूरज का किरण था भाई, और जिससे देखिए यहाँ पर कैच से चुक गई। यहाँ पर देखिए दोनों फील्डर आपस में बातचीत करते हुए। कठिन था निश्चित रूप से, सूरज का किरण आया था, इसे देखिए कई खिलाड़ी चश्मे गॉगल लगा कर रहे हैं। मैदान में देखिए बात करेंगे ना, और इस बार देखिए अब हमें फील्डर कहाँ जा रही है भाई, पीछे की तरफ है। कहते ना जब तक आप इंतजार करते रहोगे आपका जिंदगी का फैसला कोई और लेता रहेगा, और इंतजार करने वाले को उतना मिलता है, कोशिश करने वाला जितना छोड़ देता है। स्कोर जाकर पहुंचा यहाँ पर 10 रन, और पहला ओवर चलता हुआ अभी तक ठीक ठाक। देखिए साझेदारी का अच्छा बनते जा रहे हैं, और देखते हैं क्या इस साझेदारी को फील्ड में थोड़ी सी। देखिए यहाँ पर जो काफ़ी लॉन्ग ऑन को सीधा रखा था, अब मिड ऑन ले रहे हैं, और लॉन्ग ऑन को कहीं ना कहीं पर काउ कॉर्नर। बहुत बढ़िया, देखिए कहते हैं ना कभी भी कभी मैच जीतने के लिए कोशिश नहीं, एक साजिश की ज़रूरत होती है। यहाँ पर वो साजिश लगाया है मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर, उसके साथ है थोड़ा सा काउ कॉर्नर लॉन्ग ऑन। और बैटर देखिए एकदम से देखिए सफल होकर चौके लगाने के साथ, देखिए क्योंकि कामयाब हो गए, उनके लिए एक जाल बिछाया गया था भाई, और ये चौका आता हुआ। साथ समंदर देखिए पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ है, टीम का स्कोर देखिए 14 तक पहुंच गए हैं। डीजे ने देखिए साथ समंदर की याद दिलाई, एक शेर भी याद आ गई, कहते ना समंदर में मुट्ठी भर शक्कर डाल देने से उसमें नमक कम नहीं हो जाता है। एकाक ओवर में यहां पर 14 या 15 रन आ जाने से, 14 रन आए हैं, इसका मतलब ही नहीं कि आपको टारगेट आसान हो गया। चलिए दोनों अंपायर के साथ कुछ बातचीत चर्चा चलता हुआ। अंपायर तो अभी खाना खा के मुझे लगता है मैदान में उतर रहे हैं, वापस उन्हें पूछा जा रहे हैं कुछ, शायद क्रिकेट का देखिए रूल नियम बहुत कुछ रहता है। राजेंद्र पाटिल सर देखिए, और उनके साथ रमेश मात्री सर अंपायरिंग के काम करते हुए। चलिए ज्यादा समय मत लीजिए, बहुत सारा मैचेस आज कवर करना है। जहाँ पर पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ है, टीम का स्कोर बना है 14 रन, अभी भी देखिए 18 गेंद है, 30 का जरूरत है। ये तो बात छिड़े कि मुट्ठी भर शक्कर समंदर में डाल देने से उसमें नमक कम नहीं हो जाता है। मतलब मिलिट्री पावर प्ले में आपने 14 रन ले आए हैं, लेकिन अभी भी देखिए 18 गेंद के बाद 30 रन, इतना आसान नहीं रहेगा। यहाँ से देखते हैं सेकेंड ओवर गेंदबाजी के लिए,
और ये चलिए ऑफ ड्राइव है, फील्डर थे भाई बन गए दर्शक है। टेनिस गेंद की उछाल इतनी रहती है ना, और बता दिया भाई मैं तुझको भगा ले जाऊंगा तेरे घर से चार रन। बहुत बढ़िया, देखिए पहला गेंद के बचाव का आता हुआ, अब ये टारगेट थोड़ा सा आसान दिखता हुआ, ये साझेदारी देखिए घातक साबित होता हुआ। जय और बेरो की जोड़ी कह सकते हैं। लेग बिपर का अपील अंपायर बता रहे हैं, देखिए बल्ले से गेंद टच होकर गया, अपील देखिए क्या गया। अब तो गेंदबाज सोचेंगे भाई चोट लगा सर में, टांका लगा पेट में। लेग बिपर का अपील किया गया लेकिन अंपायर की तरफ से बल्ले से, देखिए अंपायर कितना कठिन अंपायर, आप यहाँ अंदाजा लगा सकते हो, आसान नहीं रहते हैं, नजरें एकदम से आपको जमा कर रखना पड़ता है। और फील्ड खोल दिया जा चुका है, पहला रन लिए दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन यहाँ पर इंकार किए दूसरा रन लेने के लिए। शैलेश विनोद के बीच में देखिए बहुत बढ़िया साझेदारी बनते जा रही, स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 20 रन, अभी भी जीत के लिए देखिए बात करेंगे 24 की जरूरत है, आने वाली 15 गेंद देखिए यहाँ से बचाए। आगे निकले थे देखिए बहुत ताकत एकदम से डाले थे भाई लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हुआ भाई। गेंदबाज तैयार, इस बार देखिए बल्ला बहुत तेजी से ले रहे हैं यहां से, पहला रन लिए दूसरे के लिए भाई। ओ ये देखिए भाई तीसरे के लिए भी भागते हुए, रन आउट होते हुए यहां से। सचिन देखिए बात करेंगे, नए बैटर यहाँ से आते हुए रनआउट के रूप में बैटर आउट होते हुए, अच्छा साझेदारी तड़प रही थी फिर भी उसके बावजूद तीसरा रन लेने की कोशिश की, समझ में नहीं आया। अब देखिए तो भाई की जोड़ी मैदान पर, विनोद और सचिन की जोड़ी देखिए यहाँ से, यानी मेरे करण अर्जुन आएंगे निश्चित रूप से। देखिए दो भाई की जोड़ी मैदान पर लेकिन गेंदबाजी के लिए सुनील देखिए यहाँ से बात करेंगे, वाइट का इजाफा देखिए एक्स्ट्रा से एक रन आता हुआ, स्कोर जाकर पहुंच गया यहाँ से 23 देखिए 23 रन, बहुत मुश्किल बनेगा यहाँ पर जिस तरह से रन बहते जा रहे हैं। और एक देखिए यहाँ से बैकफुट से जाकर कट खेलना चाहते थे, काफी पॉइंट खेला गया गेंद जब तक आता देखिए तब तक देखिए यहाँ पर 2 रन कंप्लीट करते हुए, 2 रनों से देखिए दोनों बैटर यहाँ से शांत रहते हुए। और स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 25 रन, अब समीकरण की बात कर लेंगे, यहाँ से 19 की जरूरत है आने वाला देखिए 12 गेंद से, चलते हैं डीजे के पास। नहीं खास करके मांग की गई है यहाँ पर, क्योंकि लंबे समय से बल्लेबाजी करते आ रहे विनोद है, 2 ओवर का खेल समाप्त हुए हैं और स्कोर देखिए यहाँ से 25 रन, अभी भी देखिए 12 गेंद 19 की जरूरत है। बहुत बढ़िया देखिए यहाँ से मामा ट्रॉफी में सभी का स्वागत है यहाँ पर, इंद्र मामा मानिक पटेल सब देखिए बात करेंगे मामा ग्रुप के अध्यक्ष से, और कहते हैं ना प्यास ऐसे जगाओ के कभी ना बूझे और दिल ऐसे लगाओ कि कभी ना टूटे,
और काम ऐसा करो कि सर कभी ना झुके। और हमेशा देखिए इंदिर मामा का ही सोच रहता है, 40+ के साथ साथ देखिए रेगुलर टीम को भी यहाँ पर हमें डबल शो देखने को मिलता है यहाँ पर डे नाइट। इस परमाण श्रेष्ठ टूर्नामेंट का देखिए आगाज किया गया था और आने वाला देखिए बात करेंगे कल फाइनल का दिन रहेगा निश्चित रूप से। लेकिन आज उससे पहले चलिए पानी, यहाँ पर कहते ना कीमत पानी का नहीं, कीमत हमेशा प्यास की होती है और कीमत चौके छक्के की नहीं, कीमत हमेशा एक अच्छा इनिंग का होता है। और देखते हैं क्या वो इनिंग्स जो विनोद ने अभी तक खेल कर दिए हैं क्या जिम टीम को जीत तक ले जाएंगे या उनका साथ देने के लिए उनके भाई सचिन मनोज देखिए गेंदबाजी के लिए। तीसरा ओवर का देखिए पहला गेंद ला जवाब ऑफ ड्राइव, दो फील्डर थे देखिए यहां से उसके बावजूद भी बन गए दर्शक कड़क चौका। बदन पे सितारे लपे बन जाएगा, 15 की जरूरत है और यहां से 11 गेंद बचाए। कहते हैं ना दिल है नरम और खून में गर्मी है भारी, और दोनों भाई बल्लेबाजी कर रहे हैं ले भारी। बहुत बढ़िया देखिए कवर ड्राइव देखने को मिला यहां से, अनुज प्रेक्षक बात तैयार है। इस बार देखिए आमंत्रण दिए थे, दावत दिए थे, जाल में फंसाए भाई, फुल लेन का गेंद देकर रहे। आपने तो देखा होगा वो पिक्चर भाई, गुज्जर को पकड़ने के लिए चंदनपुर में कौन सा लोमड़िया का जाल बिछाया गया था, मेला, तो वो मेला लगाया गया था भाई। लॉन्ग ऑन पर बाउंड्री स्लोर गेंद से देखिए सचिन का क्या गया शिकार। कमला कर देखिए, यही तो बात हमने छेड़े भाई, दोनों भाई की साझेदारी को तोड़ने के लिए, जैसे गुज्जर को पकड़ने के लिए चंदनपुर में कौन सा लोमड़ियों का जाल बिछाया गया है, मेला, तो मामा चषक में मेला लगा है भाई, 40+ का मेला, उसके बाद रेगुलर का आएगा मेला। और कमला करके जाल में फंसते हुए यहां पर स्लोर गेंद फुल लेंथ था, और अब एक भाई और आते हुए भाई यहां से अरविंद देखिए, यहां से तीसरा भाई देखिए। और टोटल की बात करेंगे आज देखिए तीन भाई खेलते हुए मुझे मेरा याद आ गया, हम भी तीन भाई खेला करते थे उड़ीसा में, बाबू राजू अर्जु। चलिए हम पर देखिए कुछ आई तो फोटो है मेरे पास, लेदर बहुत मैंने खेला हूँ, आपको दिखाया था शायद मुझे लगता है, देख लीजिए। टेनिस में देखिए ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, लेदर में कोई ज़रूरत नहीं आपको ताकत, बस टाइमिंग प्लेसमेंट ये सब देना पड़ता है। ये चलिए क्या कर रहे हैं भाई, दो बल्ला मंगाए नहीं एक से खेलेंगे। बल्ला देखिए बदला जाता है, देखिए कोई कोई चीज़ बदला जाता है, जब घर के हम सामान बदल देते हैं पुराने होने पर बल्ला बदलने में क्या है, मतलब घर के सामान मतलब बर्तन वांडी, नया कूलर फ्रिज टीवी। अरे चलिए भाई डॉट गेंद, क्या गेम में देखिए वापसी करते हुए यहाँ से एक सफलता मिलने के बाद है। अब ये साझेदारी, ये भाई 20 सेकंड अजय देवगन गई क्या, दिलवाले पिक्चर में मैंने देखा था ऐसा। गेंदबाज तैयार फिर से एक बार, अरे ये चलिए जोर लगाए यहाँ पर गैप में भाई, कहते हैं ना अगर शमशान में पान का टपरी हो तो खरीदने वाला कहाँ से हो भाई, सही सेंटर में डालिए भाई, गोवा नाका पर डालिए, कल्याण स्टेशन पर डालिए भाई, और ऐसे जगह गेंद पहुँचा जहाँ पर कोई फील्डर नहीं थे, तो अभी भी देखिए 8 गेंद 13 की जरूरत है, मैच अभी भी बचा है यहाँ पर। आपस में तो भाई देखिए बातचीत करते हुए, अच्छा क्रिकेट देखिए बड़ा अच्छा लगा,
तीन भाई देखिए एक टीम से खेलते हुए जॉली स्पोर्ट देखिए बात करेंगे कामतगढ़ टीम है और इस साल में देखिए मैं तीसरा टूर्नामेंट 40+ का करता हुआ मजा आता है क्योंकि रोज वही वही खाना खा कर है। और ये देखिए दूर से यहाँ पर हाथ दिखाए भाई लेकिन उसके बावजूद भी देखिए दूर रह गया गेंद आता हुआ ये चौका देखिए फिर से मैच में वापसी दिलाता हुआ नौ की जरूरत है डीजे वाले बड़ा मूड में हैं प्यार वाला सॉन्ग लगा रहे हैं भाई लेकिन पहले तो नौजवान प्यार में पागल हो जाते थे आजकल सीधा तोतले हो जाते हैं अलग अलग चुनो गुच्छा हो गई क्या तो चलिए यहां से गेंद बचाए भाई 7 जीत के लिए चाहिए 9 अभी भी मैच देखिए यहां से लाइक चौका देखिए दागे यहां से अरविंद देखिए कहीं ये अरविंद रिशलवा नहीं ना और उसके बाद देखिए ताकत जोर तो तेजी से लगाए हैं फील्डर हैं गेंद के नीचे बढ़िया कैच यहां पर इसे कहते हैं मीठा खाने का मन था लेकिन पास में कागज का नोट कम था और अरविंद का देखिए यहां से छक्का लगाने का मन था लेकिन शॉट सिलेक्शन में एलिवेशन कम था एलिवेशन कम था एलिवेशन कम था एलिवेशन कम था गली में हमेशा एक अजीब सा खेल होता था और बुक के जगह लव लेटर होता था इसलिए पप्पू हर साल फेल होता था लेकिन अब देखिए बात करेंगे 6 गेंद 9 की जरूरत है भाई बहुत बढ़िया दोपहर के समय है डीजे तारीफ करना चाहूँगा अच्छी सोच है थोड़ा सॉन्ग से यहाँ पर मजा दिया जाए और कुछ मैच से मजा लिया जाए फिर एक बार देखिए इस बार बैट या पानी लेकर आए नहीं पानी लेकर आते हुए चलिए मौका है 6 गेंद 9 की जरूरत है कहती ना काली चुनरी और काली जुल्फे और काली रंग है कढ़ाई का पानी कम पी गुरु ये समय है तेरी लड़ाई का ठोक दीजिए देशी लौट करना चाहूंगा उम्र भर तुझे अपने सीने से लगाऊंगा तो देखते हैं 6 गेंद के पर 9 रन है कौन किसको सीने से लगाएगा कौन सा टीम जीत दिलाने के साथ है अपने टीम के साथ सेलिब्रेशन मनाएगा और कौन सा टीम देखिए बात करेंगे दोपहर की कड़ी धूप में हार का मातम मनाएगा आने वाला 6 गेंद है जीत के लिए चाहिए 9 और गेंदबाजी के लिए तैयार है रंजीत देखिए गेंदबाजी के लिए और बल्लेबाजी के स्ट्राइक पर है विनोद देखिए सुबह भी जिंदा है शाम अभी जिंदा है दिल्ली कहता है कि मैं छवि जिंदा पी लॉन्ग 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 और लेग बाई सरन ओ हो चिंगो चिंगो ये भी दर्द देगा भाई लेग बाई करण अब देखिए समीकरण 5 गेंद 8 की जरूरत है गब्बर ने तो यही गलती किया था रमेश सर आज भी गब्बर के बच्चे स्कूल में कहते हैं अपने साथी बच्चे से कि मेरे पापा ने गलती किया था ठाकुर का दो पैर हाथ का था पैर छोड़ा था और ठाकुर ने लेग बाई से कुचल कुचल कर मारा था और ये वही लेग बाई का रन देखिए करीब लाता हुआ और इसके बाद देखिए डॉट गेंद क्या बात है भाई ना जवाब हमला करते हुए यहां से विकेट कीपर देखिए आते कान मंत्र देते हुए जैसे धोनी देते हैं चेन्नई सुपर किंग में
इसलिए तो जब जब विकेट मिलता है ना, गेंदबाज को कमेंट्री बॉक्स में कहते थे कि धोनी के चालाकी काम आ गई विकेट के पीछे, चेन्नई सुपर किंग को जो जरूरत था यहाँ पर सफलता की सफलता दिलाते हुए। लेकिन सफलता भाई गेंदबाज लेता है, लेकिन विकेट कीपर देखिए बात करेंगे, इनकी चालाकी काम आती है। अब समीकरण देखिए भाई, चार गेंद आठ की जरूरत है, मैच अभी भी फंसा है। विलास देखिए यहां से, नए परिंदों को उड़ने में समय लगता है। ओ ये क्या हो गया भाई, वाइट का इजाफा, लेकिन बल्ले से रन बनाना होगा भाई। चार गेंद सात की जरूरत है, गेंदबाज हमेशा आपको एक्स्ट्रा रन नहीं देगा भाई, इसलिए तो कहा जाता है दूसरे के महलों में गुलामी करने से बेहतर खुद की झोपड़ी में राज करो, खुद की मेहनत से ये मैच जीतना होगा। दूसरे के महलों में गुलामी करने से बेहतर खुद के झोपड़ी में राज करो, मामा चषक में राज करो। और गेंदबाज देखिए प्रेषक बात तैयार, ओ बढ़िया गेंद, यही तो बात कहते आप गेंदबाज से लगातार उम्मीद नहीं कर सकते हो, आपको खुद के दम पर राज करना होगा। अब देखिए समीकरण, तीन गेंद सात की जरूरत है। विशाल पाटिल सर से देखिए, मैंने निश्चित रूप से इंदर मामा की थोड़ा सा जानकारी ली, क्योंकि इंदर मामा कहा जाए ना, ये ईंट का जवाब कभी पत्थर से नहीं देते हैं, उस पत्थर को उठाकर अपना आसियाना बना लेते हैं। ऐसे इंसान होना चाहिए समाज में, जरूरी नहीं आपको ईंट का जवाब पत्थर से दो, उस पत्थर को उठाकर अपना आसियाना बना लो। और ये चलिए बहुत बढ़िया ऑफ ड्राइव, लेकिन अब सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा भाई, एक रन लिए दूसरे के लिए नहीं, इनकार किए यहां पर विनोद ने, यहां पर बिलास के पर भरोसा नहीं दिखाया भाई। अब देखिए यहां पर दो गेंद छह की जरूरत है भाई, यानी कहते हैं ना कौवा कितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले वो सफेद नहीं दिखेगा, और विनोद जानते हैं कि सिंगल डबल से कितना भी कोशिश कर लें मंजिल नहीं मिलेगा। और थोड़ी सी विलास यहाँ पर नॉन स्ट्राइक पर उदास हैं, यही सोच रहे विनोद तुझा माझावर भरोसा नहीं का, भरोसा तो है लेकिन विनोद ज़्यादा सीट ओपन करने आए थे बल्लेबाजी के लिए, शायद एक मौका लेना चाहते हैं। तो देखते हैं समीकरण की बात करेंगे, दो गेंद छह की जरूरत है, मैच एकदम से देखिए काटेगा। और ये चलिए अपील लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, यहां पर देखिए रन लेने को इनकार किया। अब एक गेंद छह की जरूरत है, क्या मुकाबला देखिए, कल एक मुकाबला हुआ था केंद्रीय राज्य मंत्री चसंग में, देखिए जहां मानकुली टीम यहां खेल रही है, उन्होंने देखे हैं कल उत्तर टीम के बैटर ने अंतिम गेंद के पर छक्का दागा था, क्यों नहीं दिव्य टीम थी। और वही देखिए एक गेंद छह की जरूरत है, और उसके बाद देखिए सेल के ब्रदर्स पोगाउट टीम हिसाब बराबर कर लिए। पहला इनिंग कंप्लीट होने के बाद मैं वहां से निश्चित रूप से रजा लिया था, दो ढाई तीन घंटे के करीब समय लगता है हमें फलमेल तक पहुंचने के लिए, लेकिन ये थोड़ा कल्याण के आसपास में निश्चित रूप से सरोली मैदान देखिए एकदम से देखिए एक गेंद छह की जरूरत है। ओ ये चलिए भाई यहां पर मैच जीतने के साथ साथ देखिए सेलिब्रेशन यहां पर बनता हुआ, यहां पर ले जाएंगे मामा ट्रॉफी ले जाएंगे, और रह जाएंगे देखने वाले देखते रह जाएंगे। और यहां से देखिए मामा ट्रॉफी में एक बड़ा जीत, क्योंकि एक गेंद छह की जरूरत थी। टोक दीजिए।